देवघर जसीडीह कुमैठा स्टेडियम के पास सर और एक टांग वाली लाश मिलने के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली है। पुलिस का कहना है कि अभी तक देवघर उसके आसपास के जिले में किसी तरह की मिसिंग का मामला सामने नहीं आया है। जिस जगह से शव के टुकड़े मिले हैं वो इलाका अब सुनसान नहीं रहा है। बावजूद इसके कटा सर और एक कुत्ते को नोचते हुए पैर मिलने से सनसनी फैल गई थी। अपराधी कितना भी साफिर क्यों ना हो, लेकिन कहा जाता है कि अपराध करने के बाद कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। लेकिन देवघर पुलिस को एक महिला के दाहिना पैर और सर मिलने के मामले में घटना के 30 घंटे बाद भी अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। हम आपको बता दें कि यही है वो जगह और इस सड़क के उस पार कल सुबह सुबह एक महिला का दाहिना पैर मिला है, जबकि इसी सड़क के उस पार थोड़ी ही देर बाद पुलिस को एक महिला का कटा हुआ सर बरामद होता है। लेकिन बाकी हिस्से पुलिस को नहीं मिल सकी, या यूं कहे कि अपराधियों ने बाकी हिस्सों को कहीं और ठिकाना लगा दिया। लेकिन जिस तरीके से अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो देवघर पुलिस के लिए एक चुनौती है, क्योंकि ये इलाका कोई रिमोट नहीं, बल्कि हम आपको बता दें कि ये पूरा इलाका वही है जिस श्रावणी मेला में इस इलाके का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ से श्रद्धालु कतारबद्ध होकर के मंदिर की ओर जाते हैं। अब देखना है कि पुलिस इस मामले का कब खुलासा कर पाती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मनीष राज न्यूज़ इन भारत के लिए देव।